morning, everyone. I hope you all are safe at your home. In the previous lecture, we had done activity 2 of chapter 7, division. And today we are going to start our activity 3 of chapter 7, division. Open your books and notebooks. Chapter 7, division, activity 3, page number 85. आप लोगों ने सेकंड क्लास में भी डिवीजन की थी, आज भी हम डिवाइड वाले सम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सम. 47 डिवाइड बाय 5. 47 को 5 के साथ डिवाइड करना है. जब हम डिवीजन करते हैं तो हम उसे कॉलम में लिखते हैं लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 5, जिसको डिवाइड करना है और जिस नंबर से करना है वो अंदर लिखा जाएगा. दिस इज द डिवीजन. 5 को 47 से डिवाइड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी वन डिजिट. सबसे पहले हम वन डिजिट देखेंगे 4. अब नाउ 4 इज स्मॉलर देन 5. 4 क्या है? 5 से छोटा है. सो 4 इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 5. 5 के टेबल में 4 नहीं आता. तो हम 2 डिजिट देखेंगे, 47. क्योंकि 4 तो 5 से छोटा है, वो तो 5 के टेबल में भी नहीं आता. तो हम 2 डिजिट देखेंगे, 47. अब 47 5 के टेबल में आता है? No. Then we see smaller than 47. 47 से छोटा क्या आता है 5 के टेबल में? 45. 45 कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे. So put 9 here as quotient and 45 here. Then subtract both. फिर दोनों को subtract कर देना है. 47 में से 45 को subtract किया. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 2, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 0. तो हमारे पास 2 क्या आ गया? रिमाइंडर. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, और जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है. जितना आंसर आता है वो क्वोशेंट होता है. सो 9 इज अवर क्वोशेंट एंड 2 इज अवर रिमाइंडर. दिस इज डिवाइजर, 47 इज डिविडेंड. सो डिवाइड वाले सम ऐसे ही करने हैं सारे. पहले फर्स्ट डिजिट देखना है, अगर वो उस टेबल में आता है तो हम उस वो देखेंगे, अगर वो नहीं आता, उससे छोटा आता है तो वो देखेंगे. अगर वो फर्स्ट डिजिट इस नंबर से छोटा है तो वो उस टेबल में नहीं आएगा, तो हम टू डिजिट्स देखेंगे. ऐसे ही हम एक दो सम और करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सेकंड सम 28 डिवाइड बाय 4. 28 को 4 से डिवाइड करना है. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वन डिजिट, दैट इज 2. अब 2 4 के टेबल में आता है या नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि 2 4 से छोटा है. सो 2 इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 4. सो वी सी 2 डिजिट्स. अब हम 2 डिजिट देखेंगे, 28. 28 4 के टेबल में आता है? यस. कितने पे आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. सो 4 के टेबल में 28 7 पे आता है, तो हम 7 यहां पर लिख देंगे और 28 जहां पर. देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 में से 28, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0.
और क्वेश्चन कितना है 7। जो आंसर आया है वो होता है हमारा क्वेश्चन। वेरी सिंपल सम्स। नेक्स्ट सम in this way. Thank you. Have a nice day.